अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिंक्स ऑफ PDF फाइल्स यूज्ड इन दिस वीडियो आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट बियर्ड लैम्बर्ट लॉ एंड वी शैल आल्सो स्टडी सम ऑफ इट्स डेविएशंस। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ इज एक्चुअली अ सम ऑफ टू लॉज। नंबर वन इज बियर्ड लॉ एंड सेकेंड इज लैम्बर्ट्स लॉ। सो बिफोर we develop concept about this law, some of the terms are necessary to define. First of all, we shall see what is transmittance. तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास क्यूवेट है और ये इस क्यूवेट के अंदर यहाँ तक 3/4 जो है वो सोल्यूशन हमने फिल किया हुआ है, तो यहाँ पीछे से अगर आप देखें कि सोर्स से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही है और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी है I0, या हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी फुल इंटेंसिटी है। जब ये लाइट सैंपल में से पास करेगी तो सैंपल जो है कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन से जो है वो निकली है, ये एनर्जी जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करने में या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस करने में या रोटेशनल ट्रांजिशन करने में कंज्यूम होगी। जो रिमेनिंग लाइट है वो ट्रांसमिट होगी और वो यहाँ पर जो डिटेक्टर पड़ा हुआ है जो कि इन दी फॉर्म ऑफ फोटो सेल है वो उस तक पहुँचेगी। सो इफ़ यू सी हेयर कि यहाँ पर हमने फेडेड जो है वो कलर किया हुआ है, इट इज़ बिकॉज के पीछे से जो है सोर्स से फुल इंटेंसिटी आ रही है और आफ्टर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो लाइट ट्रांसमिट हुई है डिटेक्टर तक पहुँच रही है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एज द लाइट जो कि सोर्स से निकल रही है उसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये L जो है ये वो पाथ लेंथ है जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जो कि क्यूवेट का डायमीटर होता है जहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो इंटरेक्ट करता है। सो ट्रांसमिटेंस इज देन डिफाइंड एज के इट इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंसीडेंट लाइट। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ I/I0, या हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि रेशियो ऑफ दिस लाइट ओवर दिस इंसिडेंट लाइट, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस। सेकंड जो हम इसमें टर्म देखते हैं वो है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या है। तो एब्जॉर्बेंस को ओल्ड लिटरेचर में हम ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ दिस वर्ड हैज़ बीन चेंज विद द एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ टी। तो अगर हम देखें कि ये एब्जॉर्प्शन की टर्म है तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ टी है, कि ट्रांसमिटेंस का नेगेटिव लॉग जब आप लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। अब अगर आप यहाँ पर टी की जगह ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा I/I0। और अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है लॉग के साइन को, तो अगर आप ये रेशियोज इन्वर्ट कर देंगे तो ये टर्म जो है वो डिवेलप होगी। सो लॉग ऑफ I/I0, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि हम अगर रिलेशनशिप डिवेलप करें बिटवीन दिस ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस, तो यहाँ पर ये देखें वो अगेन ट्रांसमिटेंस को डिफाइन किया गया है। एक होती है टर्म परसेंट ट्रांसमिटेंस, कि अगर आप इस ट्रांसमिटेंस के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपकी हो जाएगी परसेंट ट्रांसमिटेंस। सिमिलरली एब्जॉर्बेंस जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ टी है, एब्जॉर्बेंस को अगर आप लॉग को पॉजिटिव लें तो ये 1/T हो जाएगा, और अगर यहाँ पर आप ट्रांसमिटेंस की वैल्यू पुट करें तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस। तो देखें अगर 0 एब्जॉर्बेंस है तो 100% ट्रांसमिटेंस है, और अगर 1 एब्जॉर्बेंस है तो 10 टाइम ट्रांसमिटेंस है, 2 एब्जॉर्बेंस है तो 1% ट्रांसमिटेंस है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो नेगेटिव लॉग का रिलेशन है, इसलिए जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ही कम जो है वो ट्रांसमिटेंस होगी, या जितनी ज़्यादा ट्रांसमिटेंस होगी उतनी ही कम एब्जॉर्बेंस होगी। तो ये तो है नेगेटिव। बीच में रिलेशन है लॉग का, तो व्हाट इट मींस के एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस की वैल्यूज़ में 10 टाइम्स जो है वो डिफरेंस होगा। तो एब्जॉर्बेंस जो है उसको जो भी आंसर है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू योर एब्जॉर्बेंस। सो दिस टेबल क्लियरली शोज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो इस तरह अभी यहाँ तक हमने ये दो टर्म्स जो है उनको डिफाइन किया है,
और ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ है, दिस इज़ ऑल अबाउट एब्जॉर्बेंस। तो इसमें हम एब्जॉर्बेंस को जो है वो डिफाइन करते हैं, और ये लॉ जो है वो बेसिकली अप्लाई होता है फॉर यूवी, विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये जो तीन टाइप्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इनको हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द रीज़न इज़ दैट जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम इन्हीं यूवी, विजिबल और आईआर के ज़रिए जो है वो करेक्टराइज करते हैं। एज़ यू हैव सीन के हमने एब्जॉर्बेंस को डिफाइन किया है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि डिटेक्टर जो है वो हमारा इस साइड पर पड़ा है और ये हमारा जो है वो लाइट आ रही है सोर्स से, और सोर्स से जब लाइट आएगी तो सैंपल इसको एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो डिटेक्टर तक यहाँ पर पहुँचेगी। अब देखें, जितनी इस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, डिटेक्टर रिज्यूम करेगा कि ये सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है हमारे सैंपल ने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखें, जब लाइट जो है वो सोर्स से आती है तो राइट के जो हैं वो लॉसेस होते हैं। सबसे पहला लॉस जो होगा वो जब इसकी सरफेस पर, ग्लास क्यूबिट की सरफेस पर या क्वार्ट्ज क्यूबिट की सरफेस पर आएगी, तो थोड़ी सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगी। सो इसको हम कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली दी रिफ्लेक्शन लॉसेस। इसी तरह ही जब ये लाइट जो है वो इस वॉल तक पहुँचेगी तो यहाँ पर भी जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट जो है यहाँ पर लॉस होगी, तो डिटेक्टर तक उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, लेकिन डिटेक्टर इसको ऐसे ही अज्यूम करेगा कि ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है सैंपल ने, क्योंकि डिटेक्टर तक जो पहुंचने वाली लाइट है उसका हम कंपैरिजन करते हैं विद द इंसिडेंट लाइट। तो ये जो लॉस है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन लॉस, और ये बोथ एट टाइम ऑफ एंट्रेंस और एग्जिट जो है वो होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि द लाइट फ्रॉम सोर्स इज नॉट ओनली एब्जॉर्ब बाय एनालाइट बट इट मे लॉस ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट इंटरफेसिस ड्यूरिंग एंट्रेंस एंड एग्जिट। सिमिलरली लाइट मे लॉस ड्यू टू स्कैटरिंग इनसाइड द सॉल्यूशन। इनसाइड द सॉल्यूशन भी ये होता है कि अब लाइट जो है वो कंज्यूम होनी चाहिए फॉर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस, लेकिन इनसाइड जो है यहाँ पर अगर आप देखें कि डिफरेंट जो हैं वो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं आपके एनालाइट के, तो लाइट इनके साथ स्ट्राइक करके जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है। जब वो स्कैटर करती है तो वो डिटेक्टर तक नहीं पहुँचती है। तो रिफ्लेक्शन लॉसेस एंड स्कैटरिंग लॉसेस की वजह से जो लाइट है वो डिटेक्टर तक उतनी नहीं जाती जितनी जानी चाहिए, और जब डिटेक्टर तक वो लाइट नहीं पहुँच रही तो डिटेक्टर ये अज्यूम कर रहा है कि ये लाइट जो है वो सारी की सारी मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस करने में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या रोटेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करने में ये कंज्यूम हुई है। तो इसको हम कैसे नलीफाई कर सकते हैं? दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि इन ऑर्डर टू कंपनसेट दीज लॉसेस ऑलवेज सैम्पल सॉल्यूशन एब्जॉर्बेंस इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ब्लैंक सॉल्यूशन। If there is any difference, then that might be due to the analyte. तो हम क्या करते हैं कि जो ये वाली क्यूबिट है बिल्कुल इसी तरह की एक क्यूबिट जो है उस वो हम ब्लैंक सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। जो रिफ्लेक्शन लॉसेस जो हैं वो हमारे सैम्पल कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, जो स्कैटरिंग जो है वो हमारे सैम्पल कंपार्टमेंट में होगी वही ब्लैंक में होगी। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनालाइट का होगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन में अब जो है वो कोई डिफरेंस आया है, कि जाहिर है अगर सैंपल की लाइट जो है वो डिटेक्टर तक कम पहुंच रही है एज़ कम्पेयर टू द ब्लैंक, तो अब जो होगा उसमें हम कहेंगे कि अब जो लाइट है वो स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन की वजह से वो सैंपल जो है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच रही, बल्कि वो ड्यू टू द ट्रांजिशंस जो है वो पहुँच रही है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर यूजिंग ब्लैंक सोल्यूशन, वाई वी आर मेकिंग टू बीम्स। तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का ये एडवांटेज है कि हम इन रिफ्लेक्शन और इन स्कैटरिंग लॉसेस को कंपनसेट करते हैं इन बाय मेकिंग द सेम आइडेंटिकल सॉल्यूशन, लेकिन उसमें जो है वो एनालाइट नहीं होगा। सो नाउ हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ बियर्स लॉ। बियर्स लॉ इज़ सेइंग दैट एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, कि जितनी एनालाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। दिस इज़ कॉल्ड एज बियर्स लॉ। सिमिलरली द लैम्बर्ट्स लॉ इज़ सेइंग दैट एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, कि जितनी पाथ लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर आप देखें
कि ये हमारे पास जो है वो क्यूवेट है, तो अगर आप इसकी पाथ लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, इसका डायमीटर इंक्रीज़ कर देंगे, तो लाइट के रास्ते में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेगी लाइट, तो वो ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सो इस तरह एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ वाई वी कॉल एट्स लैम्बर्ट लॉ कि एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। तो ये बीयर लॉ को लैम्बर्ट्स लॉ से अगर आपने इसको मेमोराइज़ करना है, तो देखें लैम्बर्ट्स लॉ एल है तो इट मींस के इट इज़ इक्वल टू दी पाथ लेंथ। तो इससे आप जो है वो इसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बनेगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल एंड ए इज़ इक्वल टू ई सी एल। यहाँ पर जो ए है इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ फॉर एब्जॉर्बेंस, ओल्ड लिटरेचर में हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। C इज़ दी कंसनट्रेशन ऑफ एनालाइट। L जो है वो पाथ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बीम, यानी कि ये वो डायामीटर होगा जो कि क्यूबिट का है, जिसमें से लाइट जो है वो पास करेगी और इंटरेक्ट करेगी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के साथ। एंड E इज़ द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ये एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है कि एनालाइट की नेचर जो है वो क्या है। नेक्स्ट, अगर आप देखें कि ये जो बीयर लैम्बर्ट लॉ है, इट इज़ अ लिमिटिंग लॉ, ये ला तो है लेकिन ये एक हद तक, एक लिमिट तक जो है वो वैलिड रहता है। और वो लिमिट क्या है कि दैट इट इज़ वैलिडेटेड ओनली फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर आप देखें कि ये यहाँ पर एब्जॉर्बेंस और हमने कंसंट्रेशन के दरमियान जो है ये ग्राफ बनाया है, तो अगर हम पाथ लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि एक ही साइज़ की क्यूबिट यूज़ करेंगे, तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान में ये एक डायरेक्ट रिलेशन होगा और ये एक हमें आइडियल यहाँ पर जो है वो कर्व बनेगी, मिलेगी, जो कि स्ट्रेट लाइन है, सॉरी कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। सो दिस इज़ ओनली वैलिडेटेड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, के डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जो एब्जॉर्बेंस होती है डायरेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देंगे, तो यहाँ पर ये आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल बिहेवियर में शिफ्ट होगा और इसमें डेविएशंस आएंगी। इस एक जो टाइप है डेविएशन की, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशंस और दूसरी जो टाइप है उनको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस का मतलब है पॉजिटिव एरर, कि देखें कंसंट्रेशन उतनी नहीं बढ़ रही, यानी कि अगर आप देखें कि ये इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है और ये यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू है, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एब्जॉर्बेंस जो है वो इस पॉइंट पर आनी चाहिए थी लाइक दिस, जो कि आइडियल है। लेकिन अगर हम इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इस पर जाएं, तो पॉजिटिव डेविएशन के वजह से यहाँ पर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, कि जितनी कंसंट्रेशन है उस पर जितनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ रही है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह अगर आप इस कंसंट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर आइडियल सिचुएशन जो है वो ये एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन आ जाती है तो ये कंसंट्रेशन जो है वो इस कर्व को जब टच करेगी तो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से कम आ रही है। सो जब नॉर्मल से कम आ रही है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। सो इस तरह ये दो टाइप्स की डेविएशंस जो हैं वो इसमें बीयर लैम्बर्ट लॉ में आती हैं। यस, अनलेस के आपका सॉल्यूशन जो है, अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर वो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, तो एब्जॉर्बेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और कोई जो है वो उसमें लिमिटेशन नहीं आएगी। सो बहरहाल दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ लिमिटिंग लॉ, कि ये लॉ तो है लेकिन ये वैलिडेट होता है ओनली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये जो डेविएशंस इसमें आती हैं, उन डेविएशंस के रीजंस क्या हैं और ये डेविएशंस कितनी टाइप की होती हैं, सो देयर आर एक्चुअली थ्री मेन टाइप्स ऑफ डेविएशंस। नंबर वन पर है रियल डेविएशंस, नंबर टू पर है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस एंड नंबर थ्री पर है केमिकल डेविएशंस। तो सबसे पहले रियल डेविएशंस ये देखते हैं हम क्या हैं, कि रियल डेविएशन स्टेट्स दैट एट कंसंट्रेशंस ग्रेटर दैन 0.01 मोलर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज आर डायमिनिश्ड टू द पॉइंट वेयर ईच पार्टिकल इफेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इट्स नेबर्स। देखें जब कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 मोलर से ज़्यादा हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच होगा क्या,
कि स्पेस तो उतनी है लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो इतने ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे डायमिनिश टू द पॉइंट जहाँ पर ईच पार्टिकल जो है वो जो नेबरिंग पार्टिकल है उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो कोई ना कोई इंट्रैक्शन करेगा। जब वो उसके साथ जो है वो कोई इंट्रैक्शन करेगा तो उसके साथ फिर होगा क्या, वो यहाँ पर उसके साथ अटैचमेंट शो करेगा और इट विल इफ़ेक्ट द एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि व्हाट इज़ हैपनिंग कि अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दोनों हो सकती हैं। देखें पॉजिटिव डेविएशन तो ज़ाहिर है हमें समझ आती है कि जब ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो लाइट को जो है वो पास नहीं होने देंगे, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन कैसे होगी। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, तो नेगेटिव डेविएशन के अब्जॉर्बेंस कम क्यों हो रही है, तो वो केस कौन सा है। तो वो ये होगा कि बाज़ दफ़ा सोल्यूशन में जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उससे होगा क्या कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्लोमरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया था ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे मेक एग्लोमरेट्स। अब उससे होगा क्या कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में शिफ्ट हो जाएंगे तो उससे होगा क्या कि लाइट जो है उसको पास करने का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये लाइट यहाँ से भी पास करेगी, लाइट जो है वो इस पॉइंट से भी पास करेगी और इधर से भी पास करेगी। इससे होगा क्या, अब कंसंट्रेशन तो बढ़ी है लेकिन लाइट जो है ड्यू टू फ्लॉकुलेशन ड्यू टू एग्लोमरेशन उसको पैसेज मिल गया ज़्यादा जाने का, जिससे नेगेटिव डेविएशन जो है वो होगी। तो जितनी अब्जॉर्बेंस की वैल्यू होनी चाहिए थी उससे वैल्यू जो है वो कम आ रही। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हम कहेंगे कि जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो बोथ पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती हैं और नेगेटिव डेविएशन भी जो है वो हो सकती हैं। सो ये जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये जो इफ़ेक्ट पड़ा है इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ रियल डेविएशंस। सेकंड जो है वो हम देखते हैं कि व्हाई व्हेन वी आर मेकिंग सम चेंजेस इन द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन तो केमिकल डेविएशंस क्यों आती हैं। तो ये केमिकल डेविएशंस ऑकर व्हेन एब्जॉर्बिंग स्पीशीज अंडरगो एसोसिएशन डिसोसिएशन और रिएक्शन विद द सॉल्वेंट टू गिव प्रोडक्ट्स दैट अब्सॉर्ब डिफरेंटली फ्रॉम द एनालाइट। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इस एक ग्राफ में। अगर आप यहाँ पर देखें कि हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन एब्जॉर्बेंस और यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन जो है वो ली है और ये कंसंट्रेशन जो है वो एक इंडिकेटर की ली है। आपको पता है कि जो इंडिकेटर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होता है, इसको हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं HIN। जो H जो है वो इसका प्रोटोनिक पार्ट होता है, तो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कि एक में ये HIN फॉर्म में होता है और दूसरी फॉर्म में ये क्या होता है कि ये अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है और ख़ुद जो है वो IN नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इस इंडिकेटर की एग्जांपल लें तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इस जगह पर ये जो है पॉजिटिव डेविएशन जो है वो शो कर रहा है एट वेवलेंथ ऑफ 430 नैनोमीटर, वेयर एज़ ये इंडिकेटर जो है ये 570 नैनोमीटर पर जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। पहले हम इसको देखते हैं कि जब कंसंट्रेशन जो है वो बहुत लो है तो ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब स्ट्रेट लाइन चल रहा है, लेकिन जब ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो पॉजिटिव डेविएशन इज़ गेटिंग टू मच। उसकी वजह क्या है कि लो कंसंट्रेशन में HIN जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। तो आपको पता है कि इंडिकेटर जो है वो आयोनाइज हो गया है, तो लो कंसंट्रेशन में ये पूरा जो है वो आयोनाइज हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच होगा क्या कि ये बहुत सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एट लो कंसंट्रेशन, तो उससे जो है वो पॉजिटिव डेविएशन आएगी, यानी कि जितनी हमारी टोटल अमाउंट है उससे ज़्यादा जो है वो इंडिकेटर एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट। नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देंगे उससे होगा क्या कि ये जो H प्लस IN में ये जो इंडिकेटर कन्वर्ट हुआ है, लाइक अगर हम देखें कि ये रिलेशन जो है वो ये डेवलप हुआ है, तो जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन जो है वो बैक जाएगा,
जब ये रिएक्शन बैक जाएगा तो ये एच आई एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिमेंबर दैट एच आई एन की फॉर्म में ये इंडिकेटर 430 पर एब्जॉर्प्शन कर रहा था और इस फॉर्म में ये 570 पर एब्जॉर्प्शन कर रहा था, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन इस इंडिकेटर की बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन बैक जाएगा। जब ये बैक जाएगा तो उससे उतनी ज़्यादा इस 570 पर एब्जॉर्बेंस नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्बेंस कम होगी, जिससे आपको यहाँ पर जो डेविएशन है वो नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगी और यहाँ पर आपको नेगेटिव डेविएशन मिलेगी। सो हेयर दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल पीएच सेंसिटिव इंडिकेटर डाइस द एब्जॉर्बेंस एट 430 एंड 560 फॉर अ डाई दैट अंडरगोस अ प्रोटोनिक इक्विलिब्रियम दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल डाई कंसंट्रेशन। तो जब लो कंसंट्रेशन होती है तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा आगे को चला जाता है और उससे होगा क्या कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो ये इंडिकेटर उतना आयोनाइज नहीं होता, तो ये रिएक्शन बैक जाता है जिससे आपकी नेगेटिव डेविएशन जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखें कि दिस लॉ अप्लाइज ओनली फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है उसको हम इन कंजक्शन विद ग्रेटिंग और फिल्टर यूज़ करते हैं। तो पूरी लाइट गुजारने की बजाय हम एक सेट ऑफ वेवलेंथ जो है वो पास करते हैं और ये जो सेट ऑफ वेवलेंथ है इसमें से फिर एक वेवलेंथ जो है वो सैंपल अब्जॉर्ब करेगा। अब देखें कि ये जो हमने सेट ऑफ वेवलेंथ पास करवाना है तो उसमें होना क्या चाहिए कि वेवलेंथ तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेशन कि हम कुछ डिटेक्टर तक लाइट पहुंचाना भी चाहते हैं तो हम बजाय एक वेवलेंथ पहुंचाने के हम एक बैंड ऑफ वेवलेंथ जो है वो आगे हम पास करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वो जो बैंड ऑफ वेवलेंथ है उसमें जो लैम्बडा मैक्स है, यानी कि वो लाइट जो कि सैंपल मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ पर अगर आप बैंड जो है वो आगे सेंड करेंगे तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर आप वो बैंड के अलावा आप कोई और बैंड जो है वो उसको आगे भेज रहे हैं तो उससे होगा कि आपके जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी, जिससे आपको यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन जो है वो मिलेगी। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर आप यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ जो हैं जो कि सोर्स से एमिट हो रही हैं उसको हम आगे भेज रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये है लैम्बडा मैक्स, ये वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाली लाइट है जो कि हमारा एनालाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पर एक है दिस बैंड। तो इसमें देखें कि यहाँ पर जो सैंपल है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है वो इस टॉप पर कर रहा है। तो अगर हम ये वाली जो लाइट है या ये वेवलेंथ की जो बैंड है जिसका ये डायमीटर है, जब ये हम सेंड करेंगे तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान जो है वो लीनियर रिलेशनशिप डिवेलप होगा और यही हम चाहते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप थोड़ी बहुत आगे पीछे इस वेवलेंथ को कर भी रहे हैं तो जो आपका सैंपल है वो इक्वल अमाउंट में इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अगर आप इस विंडो को देखें तो इसमें देखें कि यहाँ पर ये इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ है। तो अगर आप इस पोजीशन पर देखें तो सैंपल जो है वो बहुत कम अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जब आप इस पोजीशन पर देखें तो सैंपल थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब आप ये रेंज भेजेंगे तो इसमें बहुत कुछ जो है लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ जो है वो कम एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जब आप इस बी की कंसंट्रेशन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं लेकिन उतनी एब्जॉर्बेंस नहीं हो रही, तो उससे यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन जो है वो क्रिएट होगी। तो इसीलिए ऑलवेज वो मैक्सिमम लाइट जो कि सैंपल जो है वो एब्जॉर्ब करता है वो हम आगे भेजते हैं, अपनी जो वेव मोनोक्रोमेटर है उसका जो एग्जिट स्लिट का जो होल है उसको हम उस पोजीशन पर रखते हैं, उस एरिया में रखते हैं जहाँ पर सैंपल जो है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करे। जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे वो लाइट हम आगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि उससे फिर जो रिलेशन है वो ये वाला डिवेलप होगा और ये जो है नेगेटिव डेविएशन को कास करेगा। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्ट्रे लाइट डेविएशन की। तो देखें, स्ट्रे लाइट वो लाइट है जो कि हमारा सैंपल जो है
वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि ये वो अनवांटेड लाइट है जो कि सोर्स से नहीं आ रही बल्कि कहीं और जगह से आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मे बी सम गैप इन द इंस्ट्रूमेंट. और जो अनवांटेड लाइट है जो कि सम हाउ कोई रिफ्लेक्ट होकर या डिफ्रैक्ट होकर कहीं से आ रही है, तो दैट लाइट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रे लाइट. तो ये जो स्ट्रेट लाइट होगी, दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम सोर्स डायरेक्टली, ये रिफ्लेक्ट होकर या स्कैटर होकर जो है वो आ रही है. तो अगर आप देखें कि जब इस स्ट्रेट लाइट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन जो आ रही है एट हायर कंसंट्रेशन. लेकिन जब आप इस स्ट्रेट लाइट की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी और कम कर देंगे, तो जो हमारी डेविएशन है वो आइडियल बिहेवियर के थोड़ी सा करीब हो जाएगी. जब हमारी ये स्ट्रेट लाइट 0.2% हो जाएगी, सो एट वेरी हाई कंसंट्रेशन जो है वो डेविएशन आएगी. अदरवाइज जो रिलेशनशिप है बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन वो स्ट्रेट चलेगा. और अगर हमारी जो स्ट्रेट लाइट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है कि कहीं और से लाइट जो है वो नहीं आ रही है ना रिफ्लेक्ट होकर, तो फिर हमारा जो हायर कंसंट्रेशन पर जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई. तो अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ओपन करके रखें, इसको इनसाइड अगर आप इसको ओपन करें, तो आप देखेंगे कि जो इनर साइड पर हमने पेंट किया होता है वो ब्लैक कलर का होता है. वो ब्लैक कलर इसलिए होता है कि कहीं से भी कोई स्ट्रेट लाइट आ रही है तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले. तो ब्लैक कलर करने का मकसद यह है कि सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई भी लाइट थोड़ी सी भी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइट जो है वो नहीं होगी, तो एब्जॉर्बेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इवन एट वेरी हाई कंसंट्रेशन. तो लो कंसंट्रेशन पर तो ज़ाहिर है अगर स्ट्रेट लाइट हो भी तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, लेकिन जब हम वेरी हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो तब ये ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट डालती है. देखें, जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो सैम्पल की करते हैं, तो सैम्पल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा करेगा. जब एब्जॉर्ब भी बहुत ज़्यादा करेगा तो अगर कहीं तो डिटेक्टर तक तो लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइट जो है वो कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे से जो है वो जाकर डिटेक्टर तक पहुंच जाती है, जिससे डिटेक्टर को तो लगेगा कि सैम्पल ने एब्जॉर्ब नहीं की लाइट. तो सैम्पल ने जो है वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं की लाइट, तो ये जो लाइट डिटेक्टर तक पहुँच रही है जो कि होती स्ट्रेट लाइट है, तो उससे फिर ये नेगेटिव डेविएशन जो है वो काज होती है. तो इसीलिए जितनी स्ट्रेट लाइट की अमाउंट जो है वो हम कम रखेंगे, तो वो एब्जॉर्बेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, और उतना ही बी एल लैम्बर्ट लॉ जो है वैलिडेट होगा. अब ये हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल द स्ट्रेट लाइट. येस, मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो है वो किसी अच्छी कंपनी या मैनुफैक्चरर से बनना ज़रूरी है, तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए जिसमें स्ट्रेट लाइट जो है वो बहुत कम से कम हो. सो इफ़ आई समराइज हियर के डेविएशन फ्रॉम बी एस लॉ कॉज बाय वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रे लाइट, नोट दैट एब्जॉर्बेंस बिगिंस टू लेवल ऑफ विद कंसंट्रेशन एट हाई स्ट्रे लाइट लेवल्स. तो देखें, एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन के साथ लेवल में थी, लेकिन जैसे ही स्ट्रे लाइट बढ़ी है तो वो लेवल ऑफ हो गया है. सो स्ट्रे लाइट ऑलवेज लिमिट्स द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दैट कैन बी ऑब्टेंड. तो देखें, जब एब्जॉर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है लाइट की, तो तब ही स्ट्रेट लाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी. लेकिन अगर एब्जॉर्बेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्ट्रेट लाइट जो है वो थोड़ी बहुत अगर पहुंच भी जाए तो उसका कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है. इसके बाद कुछ जो डेविएशंस होती हैं वो आल्सो अपीयर होती हैं ड्यू टू सम मिसमैच्ड बिटवीन सैम्पल एंड ब्लैंक सेल्स. तो जो सैम्पल और ब्लैंक सेल है, एक तो हमने इसको एक्सचेंज नहीं करना बार बार, ये एक जैसे होने चाहिए, इनको एक ही दफ़ा हर दफ़ा इनकी सेम पोजिशन होनी चाहिए. बेटर तो यही है कि अगर हम देखें कि इस फैक्टर की वजह से सिंगल बीम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, कि अगर आपकी किसी तरह की मिसमैचिंग हो रही है तो फिर आप बजाय डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करने के आप सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करें. लेकिन अगर आपने डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है ड्यू टू इट्स वेरियस एडवांटेजेस, तो फिर आपका जो सैम्पल सेल है और ब्लैंक सेल है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए. एक तरह की उसकी वॉशिंग होनी चाहिए, एक तरह की उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए,
और बिल्कुल उनका मटेरियल भी जो है वो एक होना चाहिए। किसी दूसरी कंपनी की क्यूवेट भी हम यूज़ नहीं कर सकते, सेम कंपनी की आइडेंटिकल क्यूवेट्स जो हैं वो उनको यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर ये डेविएशंस भी जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बियर लैम्बर्ट लॉ एंड इट्स डेविएशंस एंड सम हाउ वी हैव सीन हाउ वी कैन कंट्रोल दीज डेविएशंस इन ऑर्डर टू मेक आवर रीडिंग्स both sensitive and also reliable. So this was all about Beer-Lambert's law. I hope आपको इसकी understanding होगी. But if you have any question, let me know. Okay, thank you. Allah Hafiz.